नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आनंद और एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है मन की बात। दोस्तों आज के वेरिएंट में मैं जो आप लोग के लिए गाड़ी लेकर के आया हूँ वो हम लोग के पीछे अवेलेबल है और अभी मैं जिस शोरूम में हूँ उसका नाम है नूतन निशान और इसका एड्रेस जो है वो पड़ता है नियर 70 फीट बाईपास में। तो दोस्तों चलिए हम लोग जानते हैं गाड़ी में क्या फीचर्स हैं, इसके कलर्स कितने आते हैं, क्या क्या इसमें खासियत है जो आपको ख़रीदना चाहिए। हमारे साथ में साकिर भाई हैं जो बताएंगे गाड़ी के डिटेल्स और इसके फीचर्स। तो हम लोग आज जानेंगे साकिर भाई से कि ये गाड़ी कौन सी है और इसके अंदर क्या खासियत आपको मिलेगा, इसकी प्राइस कितनी पड़ेगी, सारी डिटेल। तो साकिर भाई आज जो हम लोग गाड़ी देखने वाले हैं वो कौन सी वेरिएंट की गाड़ी है? ये एक्सेल वेरिएंट की गाड़ी हो गई, ये सेकेंड बेस हो गई आपको निशान मैग्नाइट की जो अभी टॉप सेलिंग में चल रही है, आपको पिछले साल अवार्ड उठाया इस कार ने। इसके अलावा इसमें हर टाइप के कलर आते हैं, जैसे कि 5 कलर्स आते हैं इसमें। आपको स्टार्टिंग से बात करें तो पीछे में आप देख सकते हैं वाइट कलर है, इसके अलावा ब्लैक कलर आते हैं, उसके बाद आपको ब्राउन आते हैं, सिल्वर आते हैं, रेड भी आते हैं, आता है वो भी रोजी रेड आते हैं जो बहुत ज़्यादा ही प्रीमियम लुक देता है, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन देता है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं गाड़ी के बारे में और उसके फीचर्स, गाड़ी कैसी दिखती है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है निशान की गाड़ी और ये वाइड वेरिएंट में है, मैं इसके बारे में आज बताऊंगा और साकिर भाई आपको डिटेल्स बताएंगे इस गाड़ी के बारे में, इसमें क्या फ़ीचर्स हैं, कैसी दिखती है, अंदर से क्या चीज़ है जो गाड़ी को अलग बनाती है दूसरे से, आपको क्यों ख़रीदना चाहिए और इस गाड़ी के बारे में हम लोग हर एक चीज़ जानेंगे, हर एक डिटेल जानेंगे। तो चलिए हम लोग साकिर भाई से इस गाड़ी के बारे में बारीकी जानते हैं कि ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए हम लोगों को। तो साकिर भाई मुझे ये बताइए ना कि ये गाड़ी क्यों ख़रीदना चाहिए हम लोगों को। ये गाड़ी आपको इसलिए ख़रीदनी चाहिए क्योंकि इस रेंज में और इस लेवल की कार अभी कोई मेंटेन नहीं कर रही है। अच्छा, हम लोग के कंपटीटर भी उतना इस लेवल की कार नहीं मेंटेन कर पा रही है। ओके ओके, तो इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में हम लोग जानें और इसमें क्या खासियत है लोगों को क्यों, बाहर से जो भी जानेंगे और अंदर से भी जानेंगे, आप सब कुछ बताएंगे हमें और हमारे व्यूवर्स को। काफ़ी बड़ी फैमिली है हम लोग की साकिर भाई। यस सर, मैंने भी देखा था आपका चैनल, बहुत अच्छा था, इसके वीडियोस मैंने भी देखे थे, लाइक भी किए थे, सब्सक्राइब भी किए थे, काफ़ी बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आपका बोलना ही बहुत अच्छा लगा था मुझे आपका वीडियो में, बेसिकली जो मैं देखा था उसमें। उसके अलावा आप बहुत शानदार तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं, आप वो मुझे बहुत पसंद। बहुत बहुत धन्यवाद साकिर भाई आप लोगों को और हमारे व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की बदौलत आज हम लोग जो कुछ भी हैं। तो ये है निशान, निशान की मैगनाइट, मैगनाइट निशान, आज इसको जानेंगे हम लोग, इसके फीचर्स, क्वालिटी और क्यों ख़रीदना चाहिए ये। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें तो आगे में आपको फ्रंट में ग्रिल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है और ये यूनिक बनाता है गाड़ी को। और उसी के साथ पॉइंट ये है सर इसमें कि साइड में आप देखिएगा तो इसमें आपको सिल्वर का आपको फिनिशिंग मिल जाता है जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम अट्रैक्टिव लगता है। उसके अलावा हेक्सागोनल ग्रिल है, उसके साथ साथ आपको नीचे में आप देखिएगा तो सिल्वर आपको स्किड प्लेट मिल जाता है जो आपके बॉडी को बाहर से बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेशन देता है, बहुत ज़्यादा ही प्रीमियम लुक देता है। हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये गुड फीलिंग देता है। और मैं लाइट भी देख रहा हूँ इसमें, लाइट जो है वो LED पाया जाता है या हैलोजन बल्ब पाया जाता है, इसके अंदर आपको हैलोजन बल्ब देखने को मिलेगा, मैं आपको पास करके दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा ही प्रीमियम लुक लगता है, दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। उसके साथ साथ आप नीचे में देखिएगा तो DRL के शेप में आपको क्रोम फिनिशिंग दे दिया। हाँ, यहाँ DRL के जगह पर क्रोम फिनिश दे दिया गया है, वो देखने में DRL जैसा ही दिखता है, बहुत ज़्यादा ही सेम टाइप का पूरा लगता है, पूरा एकदम अट्रैक्टिव टाइप का लगता है। और इसके अगर व्हील की बात करें साकिर भाई तो व्हील का क्या कंडीशन है? 16 इंच का इसमें व्हील आता है जिसके साथ साथ आपको डुअल टोन में व्हील कैप दे देता है। okay. जो पूरा आपको एलॉय व्हील का पूरा फील देता है। हाँ, तो काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स गाड़ी के हैं। आपको ये यहाँ पे आपको ये मिल जाता है व्हील आर्च मिल जाता है जो अदर कार में आपको नहीं मिलती है, बेस वेरिएंट में तो सेकंड बेस में तो मिलती ही नहीं है। हाँ, और उसी के साथ यहाँ देखा जाए तो मैगनाइट का आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, निशान मैगनाइट का, जो काफ़ी खूबसूरत देखने में लगता है। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको साइड में आपको ORVM जो है उसमें आपको साइड में आपको ये दिया गया है। बिल्कुल सही जैसा बताया आपने साकिर भाई कि मिरर के ऊपर ही मैं देख रहा हूँ इसका इंडिकेटर दे रखा है गाड़ी ने, जो काफ़ी शानदार बनाता है इस गाड़ी को। और जब आगे चले हम लोग तो बाहर की लुक जो है आपको यहाँ पर दिख जाता है, यहाँ ओपन डोर को यहाँ से कर सकते हैं, आपको बॉडी कलर का मिल जाता है जो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है आपको, ब्लैक हाँ, कलर में दे दिया। और इसी के साथ नीचे से मैं जब देख रहा हूँ ना तो ये ब्लैक फिनिश जो गाड़ी को दे रखा है इन्होंने डैशबोर्ड में, साइड ग्लाइडिंग जो दे रखा है ना कंपनी ने, वो काफ़ी ज़्यादा शानदार और अच्छा
देखने को बनाता है इस गाड़ी को। और पीछे के साइड में बात करो तो वही चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा दोबारा से जो आगे फ्रंट में। ये गाड़ी की लुक बहुत ही ज़्यादा शानदार कंपनी ने बनाई है। फिर भाई साकिर भाई, अगर हम लोग मिरर की बात करें तो मिरर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक छोटा सा दिया गया है मिरर, जहाँ से कि लोग देख सकते हैं साइड में। जी, ये इसलिए दिया गया कि बेसिकली इसका ये मोटिव था कि थोड़ा सा प्रीमियम लुक लगे, अदर कार की तरह नहीं कि नहीं दिया जाए और लुक को मार दिया जाए, ऐसा नहीं किया गया। इसमें लुक को बहुत अच्छे तरीके से इन्हेंस किया गया है। उसके साथ साथ आप देखिएगा तो ऊपर में आपको रूफ रेल मिल जाता है, इनबिल्ट मिल जाता है। हाँ, जो आपको अदर कार में नहीं देता, इनबिल्ट नहीं देता। उसके साथ साथ अगर आप पीछे में थोड़ा सा आएंगे तो आपको स्पॉयलर दे देता है। अच्छा, जो ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लगता है आपको। उसके अलावा इससे आपका सिक्योरिटी भी होता है कि हाँ, ये आपका पानी से बचाता है इसको। बिल्कुल, और ये देखने में भी काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है गाड़ी को। हाँ, उसके बाद अगर आप पीछे आइएगा तो आपको सेकेंड ही मॉडल में आपको रियर वाइपर दिया है। ये आपको बेस वेरिएंट में मिल जाता है, लेकिन सेकेंड वेरिएंट में भी है, बेस से टॉप में सब में। उसके साथ साथ आपको डिफॉगर भी इसमें मिल जाता है। अच्छा, डिफॉगर जो देख सकते हैं आप सेकेंड वेरिएंट में भी है। सेकेंड वेरिएंट में डिफॉगर दे रखा है। उसके साथ साथ आपको ऊपर में आप देखिएगा तो वहाँ पे आपको ये आ जाएगा वाइपर का, पानी गिरने का। अच्छा, भी आ जाएगा आपको। हाँ, यहाँ पर छोटा सा जो नोजल दे रखा है इन्होंने, वाशर है। अच्छा, वाशर, वहाँ से पानी जो है जी, वो निकलेगा और यहाँ से हम लोग वाइप कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप नीचे में देखिएगा तो निशान का बैचिंग किया गया, निशान का बैचिंग काफी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है खुद। उसके बाद देखिएगा तो निशान मैग्नाइट का, मैग्नाइट का इन्होंने बैजिंग दे रखा है, काफी खूबसूरत। उसके साथ साथ आप पीछे में देखिएगा तो नीचे में तो आपको सिल्वर का आपको स्किड प्लेट पीछे में मिल रहा है। गाड़ी वाकई में मुझे बहुत शानदार लग रही है साकिर भाई। बाकी कस्टमर के ऊपर है कि उनको कौन सा कलर पसंद आएगा इस गाड़ी का और कौन सा मॉडल पसंद आएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग कि आप लोग को गाड़ी कौन सी पसंद आई। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं राइट साइड, अगर व्यू की बात करें हम लोग पीछे के साइड में, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा दमदार सेम फीचर्स जो लेफ्ट साइड में हम लोग को देखने को मिल रहे थे, वही राइट साइड व्यू भी देखने को मिलेगा। और यहाँ आपको पेट्रोल का साइन देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप पेट्रोल भरवा सकते हैं। अदर कार में आप देखिएगा तो ये आपको लेफ्ट साइड रहता है, ना कि राइट साइड रहता है। जो इसमें ये लेफ्ट साइड किया गया, राइट साइड किया गया, सॉरी। ओके, और ये राइट साइड इसलिए किया गया क्योंकि गाड़ी अगर पेट्रोल पंप पे जाती है तो भरवाने में दिक्कत ना हो। मुझे कंपनी ने काफ़ी अच्छा ध्यान रखा है इस चीज़ का। और हाँ, सही बताया आपने, मैं दूसरी गाड़ियों में देखता हूँ तो ये मैं लेफ्ट साइड में देखता हूँ और इसमें राइट साइड में मैं देख रहा हूँ। और ऊपर के साइड में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको एंटीना देखने को मिलेगा। किसी का आप इस पे लगेज भी कैरी कर सकते हैं, आप चाहें तो रूफ रेल लगवा के इसमें पूरा। हाँ, इसका आप 50 kg का लगेज भी आप कैरी करवा सकते हैं, यानी कि आप कमर्शियल यूज़ भी कर सकते हैं। बेशक गाड़ी को कमर्शियल यूज भी कर सकते हैं, यानी कहीं अगर जाना भी हो लोगों को जाना हो तो, या फिर कुछ अदर भी इसमें। हाँ, थोड़ा एडवेंचर लुक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं राइट में। काफ़ी ज़्यादा शानदार गाड़ी है ये, काफ़ी ज़्यादा अच्छी गाड़ी है, काफ़ी मुझे पसंद आ रही है ये गाड़ी। और अगर हम लोग ड्राइवर की डोर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका इसका ओपन करने का सिस्टम यहाँ दे रखा कंपनी ने, और यहाँ की के लिए जगह थोड़ा इन्होंने, यहाँ से आप की लगा सकते हैं गाड़ी में और ऑन कर सकते हैं गाड़ी का विंडो। और उसी के साथ में अगर हम लोग मिरर व्यू की बात करें तो मिरर व्यू कुछ इस प्रकार से दिखता है, और इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अंदर। जब हम लोग सेगमेंट की बात करेंगे तो उस समय मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि उसको कैसे एडजस्ट करेंगे और क्या फीचर्स हैं। और यहाँ भी आप लोगों को इंडिकेटर मिरर के ऊपर ही देखने को मिलेगा, जो काफ़ी खूबसूरत बनाता है गाड़ी को। और यहाँ आपको निशान की बैजिंग देखने को मिलेगी, मेगानाइट का भी आपको बैजिंग देखने को मिलेगी। जैसा कि आपने दूसरी तरफ देखा होता वही चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी। और व्हील की बात करें तो यहाँ व्हील कैप आपको देखने को मिल जाता है, अलॉय व्हील की तरह व्हील कैप देखने को मिलता है। तो गाड़ी में कुछ बाहरी लुक गाड़ी का कुछ इस प्रकार से है, जो काफ़ी खूबसूरत है। और हाँ, एक और चीज़ मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको वाइपर देखने को मिल जाता है, और उसी के साथ में यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो चीज़ है ना, यहाँ स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, इसमें स्पेस इतना ज़्यादा है कि मेरा हाथ इतना जा सकता है अंदर में, काफ़ी ज़्यादा ये डेप्थ है वाकई में। और यहाँ हालांकि कंपनी ने ये बहुत ही सोच समझ के डिज़ाइन करा है कि यहाँ पानी तो जमा ही नहीं हो सकता है आपका, कितना डेप्थ कंपनी ने दे रखा है यहाँ नीचे के साइड में। और ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा कट्स दे रखा है गाड़ी ने, ये काफ़ी बोल्ड दिखता है गाड़ी, गाड़ी देखने में काफ़ी बोल्ड दिखता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो लुक है ना, वो एकदम शार्क की तरह है। मैं जहाँ देख रहा हूँ कि ये
कट्स जो आ रहे हैं ना इस बॉडी के ऊपर, वो आप देख रहे हैं कि ये पूरे के पूरे विंड को कट करने के लिए कंपनी ने ख्याल रखा है इसका, जो काफ़ी इससे पता चलता है कि गाड़ी की ग्रिप और रफ्तार ये दोनों ज़्यादा है। जैसा कि मैंने बताया, हैलोजन बल्ब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और ये जो जगह है ना यहाँ पर आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, और यहाँ क्रोम फिनिश पतला सा दिया हुआ है जो काफ़ी खूबसूरत बनाता है गाड़ी को। और इसके जो डिज़ाइन है ना, लुक, वाकई मैं लुक का मैं दीवाना हो चुका हूँ। और इसके ग्रिल काफ़ी ज़्यादा शानदार ग्रिल है, ग्रिल देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एयर को कट करेंगे ये और कूलिंग रखेंगे इंजन को। और यहाँ पर जो इन्होंने दे रखा है एक DRL लुक में दे रखा है इसे क्रोम फिनिश में, जो देखने में वाकई में ये लगता है कि DRL है। तो ये चीज़ है। और ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है गाड़ी का, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस आप देख रहे हैं गाड़ी का, ये काफ़ी शानदार दे रखा है कंपनी ने। और इसके जो 16 इंच के व्हील्स आते हैं ना ट्यूबलेस में, वो काफ़ी बड़े व्हील्स हैं। और इसमें ये है कि अगर आप बड़े से बड़े ब्रेकर हैं तो उसको आप पार कर सकते हैं, कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी, गाड़ी फंसने की डर नहीं होगी, जो अक्सर देखा जाता है। दोस्तों अभी मैं हूँ नूतन निशान नियर बाईपास 70 फीट के पास में, और वहाँ मैंने आप लोगों को दिखाया कि गाड़ी कैसी दिखती है, निशान की मेगानाइट। मेगानाइट के बारे में हम लोगों ने बात किया, इसके बाहरी जो आउटलुक है उसको समझा हम लोगों ने, बारीकी से देखा कि उसमें क्या फीचर्स हैं, उसके लाइट कैसे हैं, बाहर से वो गाड़ी दिखता कैसे है, उसके कट्स कैसे हैं। तो और मैं अगर आप लोगों से बात करूँ ना, तो मैं बताऊँ कि नीचे से जो ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी देता है वो 205 mm का देता है, जो काफ़ी अच्छा है। और इसके ट्यूबलेस टायर आते हैं 60 mm के, जो काफ़ी शानदार बनाता है गाड़ी को। तो बाहरी लुक कुछ इस प्रकार का था, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगा, जो कि अंदर के स्पेसिफिकेशन आपको दिखाऊंगा मैं कि ये गाड़ी दूसरे से क्यों अलग है और लोगों को क्यों खरीदना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।